दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय फैशन हब पालमपुर। सोमवार को होने वाले मतदान को लेकर धर्मशाला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 82,128 मतदाता 7 प्रत्याशियों में से अपने विधायक का चुनाव करेंगे, जिसमें भाजपा की ओर से विशाल नेहरिया, कांग्रेस की ओर से विजेंद्र कर्ण, स्वाभिमान पार्टी से डॉक्टर मनोहर लाल धीमान, आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी, पुनीत शर्मा, निशा कटोच और सुभाष शुक्ला मैदान में हैं। धर्मशाला में पहली बार उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा में 2 महिला पोलिंग बूथ व 1 दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश प्रजापति ने बताया कि सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 89 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए M3 मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। होने जा रहे हैं धर्मशाला में, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2 बूथ महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले बनाए हैं। गर्ल्स स्कूल में 2 बूथ बने हैं, 9 धर्मशाला 4 एंड 10 धर्मशाला 4, जिसमें सारी पोलिंग का जो काम है वो सारी महिलाओं के इस बूथ किया है इलेक्शन कमीशन ने। हम सारी महिलाएं यहाँ पर काम करेंगी कल, और हमारे साथ सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो भी महिलाएँ ही रहेंगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब लोगों को चंडीगढ़, दिल्ली व अन्य बड़े शहरों की तरफ विवाह शादियों के मल्टीनेशनल ब्रांड के कपड़े खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चाय नगरी पालमपुर में फैशन हब नाम से खुले मल्टी ब्रांड शोरूम में विभिन्न प्रकार के कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में खरीदारी के लिए महिलाओं की खूब भीड़ जुट रही है। 2 मंजिला शोरूम की निचली मंजिल में बच्चों व महिलाओं के लिए आधुनिक कपड़ों की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध है। वहीं ऊपरी मंजिल में जेंट्स के लिए हर प्रकार की ड्रेसेस, पैंट कोट, टाई, अंडर गार्मेंट्स आदि उपलब्ध है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए फैशन हब में सभी प्रकार के कपड़े वाजिब दामों पर मिल जाएंगे, तो जल्द ही चले आइए फैशन हब पालमपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8588992518।